प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हम सब यहाँ सावन आश्रम में इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसी जगह जहाँ से बहुत से हम में से रूहानियत के रास्ते को जान पाए। संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल इस आश्रम में गुजारे, ये उनकी दया मेहर है कि आज हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चल पा रहे हैं। वो बार बार फरमाया करते थे कि एक बनो, नेक बनो, बी गुड, डू गुड, बी वन। कि अगर इन लफ्ज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेगी। इंसान की ज़िंदगी में कई रुकावटें आती हैं जो उसे अपनी मंजिल से दूर कर देती हैं। आजकल का समय, जबकि हम सब एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ सड़कें बनी हुई हैं वहाँ व्हीकल्स को जाने के लिए, चाहे आपके पास साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, कुछ ना कुछ तौर तरीके बताए जाते हैं। जहाँ पे सड़कें मिलेंगी वहाँ पे लाइटें लगी होती हैं और समझाया जाता है कि अगर हरी लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, तो तुम सीधा जा सकते हो, अगर लाल लाइट हो तो तुम रुक जाओ, इससे जो ट्रैफिक यहाँ से ज़्यादा उसमें टक्कर हो जाएगी, और अगर पीली लाइट है तो कॉशन, सोच समझ के, देख समझ के जाओ। और वो लोग जो लाल लाइट का ख्याल नहीं करते और बीच में से निकल जाते हैं, बहुत सी बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक इंसान जो कि सही तरीके से अपने रास्ते की ओर जा रहा है और उसके लिए लाइट ग्रीन है, वो चल रहा है, लेकिन इधर जिसके लिए रेड लाइट है, लाल रोशनी है, वो जब उसका ध्यान नहीं करता तो दोनों का एक्सीडेंट होता है और हो सकता है कि एक की जान जाए, दूसरे की जान जाए, बहुत तकलीफ़ बढ़ जाए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़ा आसान सा तरीका हमें समझाया कि ग्रीन लाइट क्या हमें मिली हुई है, कि एक बनो, नेक बनो, कि हम नेकी का रास्ता इख्तियार करें, हम अपनी ज़िंदगी सच्चाई के ऊपर चलाएं, हम अपनी ज़िंदगी में प्रेम मोहब्बत को आगे रखें, सामने रखें, हम किसी के मददगार हों, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें औरों को आराम है, हम ज़िंदगी तौर तरीक़ों से जिएं। और जब भी इंसान तौर तरीके से जीता है तो वो फिर आगे बढ़ सकता है, रास्ते की ओर चल सकता है। आप सब जो यहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज के टाइम से आ रहे हैं, आपको याद होगा कि सत्संग टाइम पे गाड़ी ज़रूर आती है, उसका सुनना भी एक पुरानी यादों को ताज़ा करना है, क्योंकि ये बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ बना हुआ है आश्रम, और जब भी ऐसी आवाज़ आती है तो पुरानी यादें भी आ जाती हैं। और जो रास्ता संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें दिखाया है, जो कि अगर हम बढ़ते जाएंगे सही तरीके से, अपनी ज़िंदगी को एक नैतिक ज़िंदगी बनाएंगे, तो हमें हर जगह हरी लाइट दिखाई देगी। और जैसे जैसे मोड़ इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, कई मोड़ आते हैं, तो रोशनी हरी हो तो आदमी सीधा आगे जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान से चलना है, क्योंकि इस ज़िंदगी में कई लोग हैं जो के तरीके से जीते नहीं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमें
ये ख्याल रखना है कि अगर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे और भी बढ़ रहे होंगे, और अगर वो कुछ चीज़ ऐसी करते हैं जो कि ठीक ना हो, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। लाल रेड लाइट की ओर अगर हम ध्यान दें, तो हमें उन चीज़ों से बचना है जो कि हमें तकलीफ़ में डाल सकती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब चीज़ें हैं जो हमें अपनी मंजिल से दूर कर सकती हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी दी कि हम ध्यान रखें कि हम इन चीज़ों के खतरे में आ ना जाएं। ये हमारी ज़िंदगी में होंगी, लेकिन इनका हमने सही तरीके से सामना करना है। अब अगर कोई बैटल हो रही हो, जो पुराने टाइम में होती थी, तो अपने आप को बचाने के लिए सोल्जर्स के पास शील्ड्स होती थी कि आपके पास शील्ड है ताकि अगर कोई वार करता है आप अपने आप को रोक सकते हो। ऐसे ही बहुत बड़ी शील्ड हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दी है, जो नाम की शील्ड है। जिन भाई बहनों को नाम की देन मिलती है, उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक शील्ड मिल जाती है, ताकि बाहर की कोई भी चीज़ हमें अपनी मंजिल पर जाने से रोक ना पाए। उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें रोज़ाना भजन अभ्यास करना है। अगर हमें नाम की देन मिल गई, ये शील्ड मिल गई, और उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर उससे कोई बचाव हमें मिलेगा नहीं। तो रोज़ाना बाकायदगी से जब हम भजन अभ्यास करते हैं, सिमरन करते हैं, तो वो जो प्रोटेक्शन है हमारे सामने, वो और स्ट्रांग होती है, बढ़ती चली जाती है, और फिर कोई भी ताकत हमें अपनी मंजिल की ओर जाने से रोक नहीं पाते। हम सबका मकसद यही है कि हम पहले तो अपने आप को जाने, ये जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वो जानकारी पाने के लिए शरीर से हमें ऊपर उठना है, और शरीर से ऊपर उठने के लिए हमें अभ्यास करना है। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, हम मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहेंगे। जैसे हम भजन अभ्यास करते हैं, तो हम दूसरी दुनिया में जा पाते हैं, वो दुनिया जो प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जो जागृत है, जो रोशन है। और जब हम उस दुनिया में पहुँचते हैं, तभी हमें ये अनुभव होता है कि हम शरीर से कुछ और भी हैं। तो अपने आप को उस रूप में देखना, उस रूप में जानना, और फिर हम अपने आप को सही रूप में पाकर जिस कार्य को इस दुनिया में करने आए हैं, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में है, उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। और उस रास्ते पर चलने के लिए हमें मदद मिलती है। जब भी कभी तकलीफ कोई आए, क्योंकि काल जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो बहुत सी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में डालता है, तो वो हमारी ज़िंदगी में लाल रोशनी लाने की कोशिश करता है ताकि हम रुक जाएं, हम आगे बढ़ ना पाएं। लेकिन जो नाम है, जो शब्द है, जो सिमरन करना है, जो भजन अभ्यास करना है, उसके ज़रिए हमारे सद्गुरु रोशनी को हरी कर देते हैं, ताकि हमें अपनी मंजिल तक जाने के लिए ना तो देरी लगे, ना कोई रुकावट हो। जब भी लाल रोशनी आती है, वहाँ रुकना पड़ता है, और रुकते हैं तो देर लगती है आगे जाने के लिए। और जो भी खतरा है, उससे हमें भजन अभ्यास के ज़रिए इतनी ताकत मिलती है कि वो खतरा हमारे सामने से दूर हो जाता है।
तो जो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें सिखाया वो रास्ता, जो कि सीधा रास्ता है, जो छोटा रास्ता है, वो फरमाया करते थे कि ये सबसे छोटा रास्ता मुझे मालूम है, अगर आपको इससे कोई और छोटा रास्ता पता तो मुझे भी बताइएगा। कि वो रास्ता जो हम में से हर एक को, चाहे हम पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, चाहे हमें एक भाषा आती हो चाहे दूसरी भाषा आती हो, चाहे हम किसी भी किस्म की ज़िंदगी पहले जीते थे अपने सद्गुरु को मिलने से पहले, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहिए क्या कि एक लगन जिंदगी के ध्येय को जानने की, एक कशिश पिता परमेश्वर को पाने की, और सदा सदा के लिए 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने की। वो भाई बहन जिनमें लगन होगी, कशिश होगी, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और वो भाई बहन जो अपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बड़ी फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, क्योंकि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि भजन करो, अभ्यास करो, सिमरन करो, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करो। वो हमें ये नहीं कहते थे कि हम जिंदगी को छोड़ दें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि दुनिया में हमें पिता परमेश्वर ने भेजा है, इसमें हमने रहना है। हम जिंदगी का 10वां हिस्सा कम से कम भजन अभ्यास में दें, 2-2.5 घंटे निकालें अपने आप के लिए। जो काम हम करने के लिए यहाँ आए हैं उसको पूरा करने के लिए, और जब समय अपने आप को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए निकालेंगे, तो ज़िंदगी के कार्य करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और वो कार्य हमें सही तरीके से करने हैं कि बी गुड, कि एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हों। डू गुड, काम भी अच्छे करें, सिर्फ अच्छा होना ज़रूरी नहीं, कोई कार्य जो हों वो भी अच्छे होने चाहिए। और बी वन, के जब हम अच्छा इंसान बनेंगे, कार्य अच्छे करेंगे, तो फिर हम पिता परमेश्वर से एकमेक होंगे, और पिता परमेश्वर हम सबके भीतर आए तो हम सबसे एकमेक होंगे। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राग उजारों में बांटते हुए प्यार। तो हम जाने के हर एक जीव हमारा अपना ही है, हमसे कोई अलग नहीं। उसे गले से लगाएं, उसे प्रेम से मिलें, ताकि ज़िंदगी में सुख चैन हो, प्रेम हो, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। Thank you.